अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हम यहाँ पर मार्चरी के यहाँ पर मौजूद हैं बीम्स के, और यहाँ पर दो वारदातें, दो हादसे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कल रमज़ान का मुबारक शुरू होने जा रहा है, लेकिन अगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमानों के मसाइल ही कुछ अलग हैं। हम घरोली झगड़े से, अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारों से हम किस तरह का बर्ताव करते हैं, किस तरह के माहौल में हम रहते हैं। तो ये दो वारदातें, दो मौतें हुई हैं। एक है हीरे बागेवाड़ी और एक है करोशी चिक्कोड़ी। तो दो लड़कियों की मौत हुई है, एक की शादी होकर 10 साल हुई थी, तो एक की शादी होकर 1 साल, और वो हामिला थी। एक का नाम जवेरिया है जो करोशी में, जिसकी मौत हुई है। दूसरी जो है हीरे बागेवाड़ी की हीना, जिसकी मौत वाकई हुई है। लिहाजा दोनों का कत्ल किया गया है, ऐसा दोनों घर वालों का कहना है। यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि कसीर तादाद में लोग यहाँ पर जमा है। लेकिन घुमा फिरा कर बात मुस्लिम माशरे पर आती है, मुस्लिम समाज पर आती है कि आखिर हम किस तरह के मामलों में हम उलझे हुए हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा कि मेरे ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। लेकिन क्या मुसलमानों के सामने कोई बड़ा मौकूफ, कोई एक नज़्बुलैन, कोई दूरंदेशी है? लिहाजा हमारे घरों के ही मसाइल इस कदर बढ़े हुए हैं कि रोज़ाना कुछ न कुछ वारदातें हमको देखने को मिलती हैं। और लिहाजा इन घरेलू मामलों में सामाजिक मसाइल, घरेलू मसाइल और इन्हीं झगड़ों के दरमियान हमारी ज़िंदगियां गुजरते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर दो लड़कियों की जो मौत हुई है, जो शादीशुदा हैं, इन्हें घर में तकलीफ दी जा रही थी और घर वालों ही की जानिब से इनका कत्ल किया गया, ऐसा इनका कहना है। लिहाजा ये देखते हैं कि मामला क्या है, उनके घर वालों से पूछते हैं। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि रमज़ान का मुकद्दस महीना सामने है, और जहाँ इबादतें और अल्लाह को राज़ी करने के हम कामों में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन हम कुछ किसी और ही कामों में मसरूफ़ होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ से अगर थोड़ी दूर चलते हैं, यहाँ पर कोर्ट है। कोर्ट में भी अगर देखेंगे तो मुसलमानों ही के मसाइल हैं, इनके तलाक फला के मामले हैं। ये सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी अगर मरीजों की तादाद देखते हैं तो मुसलमानों की है। बाज़ारों में अगर भीड़ देखी जाती है तो मुसलमानों की। कुल मिलाकर मुसलमान एक बिना एक नज़्बुलैन के एक रास्ते से बस एक भीड़ बनकर गुजर रहा है, और इसके अपने मसाइल ही बहुत कुछ है। जैसा हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क की सतह पर मुसलमानों की कैफियत क्या है, मुसलमानों के हालात क्या हैं। लिहाजा इतना ज़रूर है कि फिर से एक ही दिन में अगर दो मौतें हैं और दोनों खानदान के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यही एक तरफ इशारा करता है कि हमें समझने की ज़रूरत है और अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि हम किसी और दिशा में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। दिल में सब घोट ली मेरा बच्चा, मेरी अम्मा तकलीफ लोग को और को क्या भी बोला नहीं, मेरा बच्चा मुझे बादशाह क्या भी बोला नहीं, मेरा बच्चा मुझे क्या भी बोला नहीं। मेरे बच्चे को बीपी लो है, वो कोई ताज बोले, वो भी हमें फोन लगाया क्या हुआ बोल को, सब बोले हम ना बोले चले उन्होंने सब कर को सलाह को छोड़े। हमें बीपी स्लो है वो को बैठे थे बाहर में देखने में, हमारा बच्चा मार को सटे हमारे बच्चे को। अब हमको इतला हो गई जी कि ऐसा ऐसा बीपी डाउन हो के इंतकाल हुआ, बाद में हमें यहाँ चले गए, 1:30 बजे के बीच में चले गए, हीरे बागेवाड़ी चले गए। देखे तो जमात के लोग भी थे, पब्लिक जमी हुई थी, जमात भी बटाए, ये बटाए। बाद में जो इंक्वायरी ऐसी मिली तो लड़की को जो ऑलरेडी वढ़ने पिना के लगा के गले में फोड़े या मार के गले में पैक करके सुलाए थे, पर मैं ऐसा पर यहाँ पूछा पूछी बोलने के बाद यहाँ गले पे खुराश थी इसका। बाद में हमारे घर के औरतों खोले उसको तो पता चला कि ये केस जो है फांसी का, बाद में जमात में भी बात निकली हो। और लड़की जो थी 5 माह जो है प्रेग्नेंट थी, अच्छा। पहली तो एक बात उन्होंने झूठ क्या बोले कि लड़की का बीपी डाउन हुआ सो है, आप आओ
फिर अचानक में फोन आया 5-10 मिनट में कि लड़की का इंतकाल हुआ और उन्हें क्या है कफन दफन करने की तैयारी में थे। जब यहाँ से पूरे जन उधर पहुंचे देखे तो डेड बॉडी को देखने के बाद में जरा गम में जो है इधर हाथ गीत लगा के देखने में जो है इधर जख्म का निशान था जो फांसी का जैसा ये होता है वैसा निशान था। तो बात को छुपाने की कोशिश करे सो है हमें शक है कि लड़की का जो है मर्डर किया गया है। एक बड़े हादसे में एक पेट से जो बच्ची थी आमला थी तो आमला उसके बच्चे का भी जो कत्ल हुआ है और वो लड़की का भी कत्ल हुआ है। हमें शक है कि कत्ल हुआ है तो इसकी तहकीक होना और जो भी इसके कसूरवार है उनको बड़ी से बड़ी सजा मिलना यही हमारी जो है दरखास्त है और हमला पूरा इंसाफ होना पुलिस डिपार्टमेंट से। आपका नाम बोलो आपको नहीं मैं चाचा लगता हूँ चाचा लगते हैं आप नाम है अख्तर 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 बोले मुझे पूरा इंसाफ होना सर इसकी पूरी तहकीक होना पुलिस डिपार्टमेंट से भी होना और सरकारी खाद में से भी होना सर। मेरे बच्चों को कैसा मारे ने वैसा तुम्हें उनको मारना सजा देना ना हमें। मेरा बच्चा बहुत मासूम था मेरा बच्चा सड़क को बैठ बोलता मेरा बच्चा क्या है पूरा गल्ला दबा को शाल लपेट छोरे को वैसा देना देखो मेरे बच्चों को ऐसे ये करे सजा दूसरी नहीं वो फुफू है वो फुफू सजा देना वो भार वाले ने वो भी फुफू है संगी उनकी फुफू है। मैं बेटी जैसा देखती हूँ मैं फूल जैसा रखती हूँ बोल मुझे मैं घर के सामान करती थी मेरा बच्चा ने दिल में घोट लिया मेरा बच्चा बोला ने मुझे मेरी अम्मा मैं अच्छी छू बोला मेरा बच्चा मुझे मेरी तकलीफ बोला ने अपनी अम्मा मैं तकलीफ में हूँ मुझे आ मुझे ले आ बुलाया नहीं मुझे बोला नहीं मेरा बच्चा खाली मेरा बच्चा समाधान क्या बोला नहीं अंदर के अंदर घोट लिया मेरा बच्चा खाली घोट लिया मेरे बच्चे चार महीने का और क्या कमी करे ने अभी जेज भी सब दी उसे क्या दिए नगर को नहीं सब दी सब कर रही है और भी मेरे बच्चे को अंदर के अंदर टॉर्चर करते थे उन्होंने सब बेटी बोली नहीं वो छुट्टी क्या पूछे तो हमें अच्छी छू बोलती थी माँ को बड़ी तकलीफ नहीं पड़ना मेरी माँ टेंशन ही थी मेरी माँ काम कर खाने वाली बोल को मेरा बच्चा क्या भी टेंशन नहीं दिया क्या भी नहीं बोला ऐसा मेरे बच्चे का घात करे उन्होंने हमें बहुत विश्वास करे उनके ऊपर सच ऐसे विश्वासघात लोग चोरी को मारे पुलिस अभी हमने मदद कर रही है नहीं कल 5 बजे तक हमने तलाश कर रही है पुलिस करो जी कोई कुछ कुड़ी को हाँ उनको एक साथ देने अपना अभी भी यहाँ पर देने के नहीं अपना चोरी का मेरे क्या किया प्रशासन साथ देने लगे नहीं वहाँ अलग चले पोलिटिशन में वो पुलिस को क्या क्या पहला मामला बताओ जी क्या हुआ ये लड़की का भाई है देखो ये बोलो भाई है लड़की चोरी को मार मारी हाँ मार को पछे लगाई कल्पस लगाई चोरी को कान दिए थे करोशी को करोशी चलकर जी चलकर जी की चोरी करोशी को देते हाँ हाँ मारे दस एक दो बरस की छोरी है 7 बरस का छोरा है। क्या नाम लड़की का जुबेरिया मुल्ला अच्छा। जुबेरिया जावेद मुल्ला ससुर का नाम दस्तगीर मुल्ला ये दोनों जने सास है ये तीनों जने मिला को छोरी को मेरे मार को पाछे लगाई इसके अंदर पुलिस अपना 7 आजीवादी 5 नामे को सुधा है नहीं करो चुको मेरे हमें चोरी को ले गए पोस्टमार्टम को चुकोड़ी को हमें चोरी को ले गए 5 नामे को भी आए नहीं हमारी चोरी को क्या हमें पूछने भी पुलिस आए नहीं हमने देखने
अबे हम अभी गाड़ी पे घुसे हैं। क्या हुआ है कि जो लड़की है, हाँ, 6 बजे फोन आया कि जावई का दामाद का जावेद मुल्ला का अटैक आए और उसका इंतकाल हुआ। हम 8:30 बजे मट्टी कर रहे हैं। कौन भी किसका भी इंतकाल होने के बाद 2-2.5 घंटे के अंदर मट्टी नहीं करता। डाउट आया हमको, करके हम चिकोड़ी पुलिस स्टेशन गए। वहाँ जाने के बाद कम्प्लेट किए, कम्प्लेट करने के बाद वो आना चाहिए वहाँ पर, वो आए नहीं उधर पंचनामे के अंदर। डायरेक्ट बोले उन्होंने लेकर आ बॉडी यहाँ पर, हम देखेंगे। तो गांव के दो जो पुढ़ारी थे वो एक आधार उन्होंने कॉपरेट करके मयत लेकर आए, हाँ। कहाँ पर? गवर्नमेंट हॉस्पिटल को। लाने के बाद वो बॉडी को कम से कम आज सुबह तक 5 बजे तक 13 घंटे तक फ्रीजर में रखे, नहीं कुछ नहीं क्या नहीं, सिर्फ देखे और छोड़ दिए। चिकोड़ी में जो पोस्टमार्टम का जो जहाँ पर है, तो उन्होंने बोला कि हम नहीं कर सकते, ये कुछ अलग मामला है करके। वो 5 बजे बोले उन्होंने, वो कभी बोले, वो भी सुबह में 5 बजे, शाम के 5 बजे जो हुआ है शायद, वो अभी 5 बजे, 12 घंटे तक लाश वो इसी पड़ी रही। अभी यहाँ पर आने के बाद पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन हमको अभी तक FIR कॉपी नहीं मिली, FIR कॉपी भी नहीं मिली और हमको लेटर भी नहीं, हमको स्टेट चेंज करके जाना है। हमारी कंप्लेंट भी लेनी है। और अभी तो सुनने मिल रहा है कि बाबा वो उसने उसे दबाव करके वो लड़के को छोड़े भी, उन्होंने उसकी माँ को, लड़के को, इनके दामाद को, इनके समधन को। कितने साल हुए थे शादी होकर? 10 साल हुए। टॉर्चर करते थे। दो बरस की छुट्टी है और 7 बरस का लड़का है। 10 साल के अंदर टॉर्चर करते करते। बाबू भाई तुम्हारे गांव में ये वारदात हुई है, इचल करंजी करोशी में, वही तो करोशी कन्नड़ आते हैं, उनको कन्नड़ बोलते हैं। शर्मनाक वारदात है। एक्चुअली ऐसा होना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी ऐसा। बाद में वो जब डेथ हुई ना, तो ऐसा मैसेज मिला कि हार्ट अटैक है। बाद में पूरी तहकीक करने के बाद मालूम पड़ा कि लड़की, मतलब वो फांस लगा ले ऊपर कुछ तो भी ऐसा बॉडीपुर निशान है, लड़की को मारपीट के निशान है इसके ऊपर। और सब मालूम है लोगों को, लेकिन अभी कैसा मालूम है, हमारा मकसद इतना चाहिए मीडिया को बोलने का, हमारी बच्ची को इंसाफ मिलना और एक मैसेज पूरी कौम और पूरी समाज को ये जाना कि आइंदा ऐसी गलतियां कौम और समाज में वापिस, किसी दूसरी बच्ची पर जुल्म ना होना, और एक अच्छा मैसेज इत्यादि न्यूज तरफ ही जाना बोलकर हमारी रिक्वेस्ट है। अभी मेरे वो उसके ससुर को, ससुर को पकड़े तो नहीं, पुलिस आने ससुर को अभी ढूंढने के नहीं है। ससुरा गाँव में जाए, ससुरा उसे छोड़े जाए, ससुर को रात के बारे पुलिस आने ले पाए नहीं है। जिन जिन पर मुकदमा किया है, को उनको सबको छोड़ा गया है करके, FIR भी नहीं है, कुछ नहीं किया है। फिर अब इंसाफ हमको मिलने वाला कैसा? पुलिस बोल रही थे तो अभी FIR भेज रहा हूँ। FIR भेज रहे, रात से भेज रहे हो, 5 बजे से डाउन है, 10 बजे से कैसा डाउन है? यहाँ कॉर्पोरेट है, दंगा करने के बाद उन्होंने साथी हमारे दंगा करने के बाद में FIR देने की उन्होंने सोच रहे, अब भी बोल रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं हमें करके। तो कल से बात कर रहे ना, तो हमें पूरी रात बैठे हैं, कल दोपहर से हैं हमें उसमें, अभी कल 4 बजे से हमें हैं इसमें। एक तो पोस्टमार्टम का ये नहीं, पोस्टमार्टम होने के बाद में FIR नहीं दे रहे, यहाँ से ले जाने का कैसा, मैं ले जाने कैसा? पुलिस स्टेशन सबसे बड़ी गलती क्या मालूम है, हमारा जो बच्ची का पोस्टमार्टम है ना, चिकोड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चलाओ, उन्हें नहीं करने का क्या रीजन था हमला को बहुत टाइम उधर टाइम ले लिए, उधर से भी इधर भेजे, सुबह तक हमला, मतलब आधा घंटा बोलकर शाम तक, सुबह तक लगे, सुबह के बाद डिसाइड करे कि बेलगाम भेजो को। एक्चुअली ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा है चिकोड़ी, एक्चुअली में चिकोड़ी में फैसिलिटी है। क्या प्रॉब्लम है कुछ समझा नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम अगर पोस्टमार्टम वहाँ था तो अपने को सब लोगों का बेलगाम को आने की जरूरत नहीं पड़ती, पुलिस को ऊपर से दबाव आने के करो, केस करने के सुनने मिलने के, पुलिस को ऊपर से दबाव आने के करो, हमारे केस लेने के नत्ते उन्हों इंसाफ चाहिए, बोले तो क्या चाहिए, लड़की को इंसाफ चाहिए, लड़की के बाप को चाहिए, लड़की बाप को, हमारी कौम को इंसाफ चाहिए यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं है। करवेश में इंतकाल हुआ है, करवेश में हादसा हुआ है, चिकोड़ी में नहीं हुआ ट्रीटमेंट, बेलगाम में आ रहे हैं हम इतने दूर तक, रात रात भर जाग जाग कर आ रहे हैं, 50 लोग औरतें वगैरह सब माँ बहने सब बैठी हुई है वहीं पर, परेशान बेहाल करके, और अभी बोले अभी तक हमको FIR कॉपी नहीं मिली। पोस्टमार्टम हो गई, एक तास हुआ तो FIR कॉपी नहीं दे रही।